माँ देखो, ये मुझे एक खीरा मिला है। माँ, मैं इसे काट कर नमक डालकर ले आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। लेकिन बेटी, ये खीरा तो खराब हो गया है, अगर हम इसे खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। गुड़िया बेटी, जल्दी से तुम इस कचड़े में से ये बोतलें निकाल लो, क्योंकि अब सुबह हो गई है। अगर पक्षी यहाँ आ गए और उन्होंने हमें यह देख लिया तो ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। ठीक है पापा, मैं जल्दी जल्दी से यहाँ से ये सारी बोतलें उठा लेती हूँ। फिर उसके बाद गुड़िया उस कचड़े में से बोतलें निकाल लेती है और उन्हें एक बोरी में डाल लेती है। गुड़िया बेटी, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अब हमारी बोरी भर गई है। पापा पापा, आज हमें इसके बदले कितने पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि आज हमें माँ की दवाइयाँ और खाने का सामान भी लेना है। बेटा, ये तो वो दुकान वाले भैया ही बताएंगे। ये कहकर वो दोनों कबाड़ी की दुकान पर पहुंच जाते हैं और वहाँ बोतलें बेच देते हैं। तब उन्हें पैसे देते हुए कहता है, ये लो आकाश, आज की आपकी बोतलों के 100 रुपए। फिर वो दोनों पैसे लेकर घर आने लगते हैं। तब आकाश रास्ते में कहता है, बेटी, मुझे तेरी माँ के लिए इन पैसों से दवाई भी लेनी है और घर में राशन भी नहीं है, लेकिन ये पैसे तो कम हैं। पापा पापा, आप माँ के लिए पहले दवाई ले लो, खाने का तो हम बाद में देख लेंगे। ये कहकर वो दोनों दवाई लेने चले जाते हैं और दूसरी तरफ रानू चिड़िया बुखार से तड़प रही थी। पता नहीं ये दोनों सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं, मुझे तो कभी कुछ बताकर ही नहीं जाते हैं, ना जाने कितनी देर में आएंगे। फिर कुछ ही देर में रानू का पति और उसकी बेटी गुड़िया दवाई लेकर घर आ जाते हैं। रानू, ये लो तुम्हारी दवाई, इसे तुम जल्दी से खा लो, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। घर पर तो एक भी पैसा नहीं था आकाश जी, फिर आप ये दवाई मेरे लिए कहाँ से लेकर आए हो? मम्मा, हमारे जंगल का जो कचरा डाला जाता है, हम वहीं गए थे। हमने उस कचरे में से प्लास्टिक की बोतलें ढूंढी और फिर वो हमने बेच दी। उन्हें बेचकर जो पैसे मिले, उनसे हम आपकी दवाई ले आए। ये सुनकर तो रानू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब उसकी बेटी उससे कहती है, माँ माँ, आप क्यों रो रही हो, देखना आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। रो मत माँ, नहीं तो मैं भी रो जाऊंगी। वो आकाशड़ा एक गरीब मजदूर था। वो अपनी पत्नी रानू और अपनी एक बेटी गुड़िया के साथ रामपुर के जंगल में रहता था। आकाशड़ा मजदूरी का काम करता था। उसे कभी तो मजदूरी का काम मिलता तो कभी नहीं मिलता। कुछ समय से उसकी पत्नी रानू की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उसकी दवाई का खर्चा आकाश चिड़े की मजदूरी से भी नहीं हो पाता था। आकाश चिड़े की एक बेटी थी गुड़िया, जो कि अभी बहुत छोटी थी, लेकिन गरीबी के चलते वो समझदार हो गई थी। एक दिन जब वो एक पेड़ पर बैठी थी, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक खीरे पर पड़ती है और वो कहती है, अरे वाह, ये खीरा तो बहुत बड़ा है। मैं एक काम करती हूँ, इसे उठाकर अपने घर ले जाती हूँ, फिर हम सब नमक डालकर काट कर खाएंगे। ये कहकर गुड़िया उस खीरे को उठाती है और अपने घर ले आती है। घर आकर देखती है तो उसकी माँ तो घोंसले में परेशान बैठी थी। माँ माँ, देखो मुझे कितना बड़ा खीरा मिला है, आप इसे काट दो, फिर हम नमक डालकर खाएंगे। लेकिन बेटी, ये खीरा तो पका हुआ है और खराब भी हो गया है, ये खाने के लायक नहीं है, तू इसे मत खा। माँ माँ, इसे तो मैं कितनी दूर से लेकर आई हूँ, माँ अब क्या इसका कुछ नहीं हो सकता। गुड़िया बेटी, ये खीरा तो बीजों से भरा हुआ है और बीज तुम्हारे किस काम में आएंगे, इसलिए जाओ तुम इसे बाहर फेंकाओ, लेकिन खाना नहीं। ये सुनकर तो गुड़िया उदास हो जाती है। फिर वो बाहर उस खीरे को फेंकने आती है। तब वो कहती है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसे काट कर देखती हूँ कि इसमें कैसे बीज हैं।
ये कहकर गुड़िया उस खीरे को तोड़ देती है तो वो देखती है कि उसके अंदर तो बहुत सारे बीज भरे हुए थे। ये क्या एक खीरे में इतने सारे बीज, क्यों ना मैं इन बीजों को अपने आंगन में दबा दूं, तो हमारे आंगन में भी खीरे उगाएंगे। ये कहकर गुड़िया अपने आंगन में उन बीजों को दबा देती है। बीज दबाने के बाद गुड़िया उनमें पानी देती है। गुड़िया अब तो रोजाना ही ऐसा करती, उनमें रोज पानी देती। फिर अगले दिन जब गुड़िया सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके आंगन में तो खीरे के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। पापा पापा जल्दी आओ और देखो, जो मैंने बीज लगाए थे उन बीजों से पौधे उगाए हैं। फिर आकाशड़ा भी वहाँ आकर उन पौधों को देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है। लेकिन बेटी, ये बीज यहाँ किसने लगाए थे? फिर गुड़िया सारी बात अपने पिता को बताती है। गुड़िया बेटी, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर कुछ ही दिनों में वो सारे पौधे बड़े हो जाते हैं और उन सब पर खीरे भी लग जाते हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सारे बड़े बड़े खीरे लगे हैं। अब तो मैं इन खीरों को बेचकर पैसे भी कमा सकता हूँ। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हो, अब आप इन खीरों को बेचने जाना। फिर आकाशड़ा वहाँ से टोकरी भरकर खीरे तोड़ लेता है और एक खीरा अपनी बेटी को देकर कहता है, ये लो बेटी, तुम इसमें से ये एक खीरा ले जाओ और ये पहला खीरा तुम खाओ, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर गुड़िया उस खीरे को लेकर अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ देखो हमारे आंगन में कितने अच्छे खीरे लगे हैं। माँ पापा कह रहे हैं कि ये पहला खीरा मैं खा लूँ। फिर गुड़िया खीरे पर नमक लगाकर काट कर खाती है। लो माँ खीरा आप भी खाओ, और डॉक्टर अंकल बोल रहे थे कि खीरा आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए लो माँ खाओ आप भी। वहीं दूसरी तरफ आकाशड़ा दो टोकरी भरकर खीरे तोड़ लेता है और उन्हें बेचने ले आता है। खीरे ले लो खीरे, ताजी बढ़िया खीरे ले लो खीरे। भैया कितने रुपए किलो दिए हैं ये खीरे? 40 रुपए किलो है बहन जी, बताओ मैं आपको कितने खीरे दे दूं? ठीक है भैया, तो लाओ मुझे 2 किलो दे दो। फिर ऐसे बहुत से पक्षी आकाशड़े से खीरे खरीदते हैं और दोपहर तक उसके सारे खीरे बिक जाते हैं, और आज पहले ही दिन उसकी कमाई भी अच्छी होती है। इतने पैसे देखकर वो कहता है, मैं इन पैसों से घर का राशन ले आता हूँ, घर का राशन भी खत्म हो गया है। फिर उसके बाद आकाशड़ा बाजार से घर का राशन और खाने के लिए कुछ फल लेकर आता है। जब वो घर आता है तो उसकी बेटी उससे कहती है, पापा पापा आप आ गए, मैं आपके लिए पानी ले आऊं? नहीं बेटी, अभी मुझे प्यास नहीं है, जब मुझे प्यास लगेगी तब मैं पानी पी लूंगा। रानू तुम्हें पता है, आज अपनी बेटी की वजह से घर में राशन आ पाया है, और तो और खीरे बेचकर मैंने आज अच्छे पैसे भी कमाए हैं। हाँ आकाश जी, आप एकदम ठीक कहते हो, अब तो अपनी गुड़िया बेटी भी घर में बहुत ध्यान दे रही है। अगर आज इसने ये बीज खेत में ना लगाए होते तो हमारे पास ना तो राशन आ पाता और ना ही खाने के लिए कुछ भी। ये सब हमारी बेटी की वजह से हुआ है, और अब तो मैं थोड़ी थोड़ी ठीक भी हो गई हूँ। फिर उसके बाद वो सभी काफी दिनों बाद फल खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। फिर इस तरह से आकाशड़ा अपने खेत में से खीरे तोड़कर उन्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाता है, और इस तरह से वो सभी खीरे की खेती करके खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगते हैं। कुकू बेटा आप जामुन तोड़ो और मैं घर से बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। मम्मा मम्मा, क्या बड़े बड़े जामुन ही तोड़ने हैं या फिर छोटे भी? नहीं कुकू बेटा, तुम्हें छोटे जामुन नहीं तोड़ने, ये तो बड़े होने पर ही टूटेंगे, अभी तुम्हें सिर्फ बड़े बड़े जामुन तोड़ने हैं। फिर मम्मा चिड़िया घर से बैलगाड़ी लेने चली जाती है और कुकू बड़े बड़े पके पके जामुन तोड़ने लगता है। वहीं कालू कौवा छिपा बैठा ये सब देख रहा था, तब वो कहता है,
समय आ गया, समय आ गया है, चिड़िया के जामुन चोरी करने का समय आ गया है। मैं अभी घर जाकर गौरी को बताता हूँ। गौरी गौरी जल्दी मेरी बात सुनो। ये तुमने क्या शोर मचा रखा है कालू जी? गौरी गौरी आज चिड़िया अपने जामुन तोड़ रही है और वो उन्हें बैलगाड़ी में भरकर मंडी लेकर जाएगी। मतलब हम रास्ते में से ही चिड़िया के जामुन चुरा लेंगे? हाँ गौरी मैं यही कहने वाला था। तो फिर चलो मंडी के रास्ते में किसी पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं। फिर वो दोनों शैतान पति पत्नी अपने घर से भागते हैं और मंडी में जाने वाले रास्ते पर एक पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया और उसका बेटा दोनों अपनी बैलगाड़ी में अंगूर की टोकरियां रख लेते हैं। कुकु बेटा, जामुन की टोकरी तुमने गिनी है ना, कितनी है? हाँ मम्मा मैंने गिनी है, पूरी 10 जामुन की टोकरियां हैं, मैंने अच्छे से गिन ली हैं। फिर कुकू और उसकी मम्मा रानू दोनों अपनी बैलगाड़ी लेकर मंडी की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों अपने खेत से निकलकर मंडी वाले रास्ते पर आते हैं, जहाँ गौरी और कालू दोनों छिपे बैठे हुए थे। देखो कालू जी आ गई, चिड़िया बैलगाड़ी लेकर आ गई है। मैं बैलगाड़ी से जामुन की टोकरी गिराता जाऊंगा और तुम इकट्ठी करना। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। कालू को वह पीछे से चिपकर रानू की बैलगाड़ी पर बैठ जाता है और जामुन की टोकरियां नीचे फेंकने लगता है और गौरी को भी उन्हें इकट्ठी करती है। ऐसे वो दोनों पति पत्नी रानू की 3 जामुन की टोकरियां चुरा लेते हैं और रानू को तो पता ही नहीं चलता। वो बाकी की टोकरियां लेकर मंडी आ जाती है। तोते चाचा, मुझे 10 जामुन की टोकरियां बेचनी है, कितने की लोगे आप? देखो रानू, मैं तुम्हें 10 जामुन की टोकरियों के 500 दे दूंगा। फिर रानू अपनी जामुन की टोकरियां तोते चाचा को बेच देती है और कहती है, तो फिर ठीक है तोते चाचा, आप मेरी टोकरियां गिन लो, पूरी 10 जामुन की टोकरियां हैं, मेरे बेटे ने अच्छे से गिनी थी। चिड़िया मुझे आप पर विश्वास है, अगर आपने गिनी है टोकरियां तो पूरी होंगी। फिर रानू चिड़िया पैसे लेकर और अपनी बैलगाड़ी लेकर घर की तरफ वापस आती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब जब भी चिड़िया मंडी जाती तो कालू कौवा पीछे से उसकी जामुन की टोकरियां चुराता। ऐसे ही वो दोनों रोजाना उसकी 2-4 जामुन की टोकरियां चुरा लेते थे, जिसका ना तो रानू को पता चलता और ना ही मंडी में तोते चाचा को। वैसे कालू जी चोरी का माल खाने में तो बहुत मजा है। हाँ गौरी, और अभी तक उस बुद्धू रानू चिड़िया को तो पता ही नहीं चला कि हम दोनों रोजाना उसकी बैलगाड़ी से उसकी जामुन की टोकरियां चुरा लेते हैं। फिर ऐसे वो दोनों जामुन खाकर हंसने लगते हैं। परसों भी मुझे चिड़िया के जामुन बेचकर अच्छा मुनाफा नहीं हुआ और कल भी ऐसा ही हुआ। आज मैं चिड़िया की जामुन की टोकरियां गिनूंगा, हो सकता है कि वो मुझे जामुन की टोकरियां कम देकर जाती हो। रानू चिड़िया आज फिर मंडी में जामुन की टोकरियां ला रही थी। कुकू बेटा, आज तुमने कितनी जामुन की टोकरियां रखी हैं बैलगाड़ी में? मम्मा मम्मा 15, आज 15 जामुन की टोकरियां हैं बैलगाड़ी में। फिर कव्वे भी पीछे से 3 जामुन की टोकरियां चुरा लेते हैं और रानू मंडी पहुंच जाती है। चिड़िया चिड़िया बहन, आज कितनी जामुन की टोकरियां हैं? तोते अंकल, आज मैंने पूरी 15 टोकरियां गिनकर रखी हैं बैलगाड़ी में। ठीक है, तो फिर आज मैं भी तुम्हारे सामने तुम्हारी टोकरियां गिनूंगा। हाँ गिने गिने तोते चाचा, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। फिर तोता वो जामुन की टोकरी गिनता है तो वो जामुन की टोकरी तो 12 थी, उसमें 3 जामुन की टोकरियां कम थी। चिड़िया ये तो 12 जामुन की टोकरियां हैं और तुम तो 15 बता रही थी,
क्या तुम हर रोज मुझे ऐसी चूना लगाकर चली जाती हो? चिड़िया ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है, तब वो अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा ये आपकी गलती है, आपने जामुन की टोकरियाँ अच्छे से गिनी नहीं होंगी। मगर मम्मा मैंने जामुन की टोकरियाँ 2 बार गिनी थीं। फिर चिड़िया और कुकू अपनी बैलगाड़ी लेकर अपने घर की तरफ वापस आते हैं। तब रास्ते में कुकू तो अपनी जामुनों की टोकरी के बारे में सोचे जा रहा था, मम्मा हो न हो किसी ने अपनी ये टोकरियाँ चुराई हैं, क्योंकि मैंने 2 बार गिनी थी। नहीं बेटा, मुझे तो लग रहा है कि जरूर आपको गलती हुई है गिनने में। नहीं मम्मा, मैं कल जान कर रहूँगा कि मेरी टोकरियाँ कम कैसे हुई, 15 से 12 कैसे हो गईं। फिर अगले दिन कुकू और रानू अपनी जामुन की टोकरियाँ अपनी बैलगाड़ी में रख लेती हैं। तब कुकू कहता है, मम्मा 20 जामुन की टोकरियाँ हैं, आप खुद गिन लो और आप इन्हें लेकर जाओ, आज मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा। ठीक है कुकू बेटा, मैं चलती हूँ, मगर तुम ध्यान से आना, ठीक है? फिर रानू चिड़िया बैलगाड़ी लेकर चली जाती है और कुकू उसके पीछे पीछे आता है। और कौवा और कौवी तो पहले से हर रोज की तरह उसी पेड़ के पास छिपे बैठे थे। जैसे ही चिड़िया बैलगाड़ी लेकर उस पेड़ के पास पहुंचती है तो कालू कौवा उसकी बैलगाड़ी पर आकर बैठता है और टोकरी नीचे फेंकने लगता है, जिसे कुकू पीछे से ऐसा करते हुए देख लेता है। रुको मम्मा रुको, चोर पकड़े गए। फिर मम्मा चिड़िया भी बैलगाड़ी रोककर उन दोनों के पास आ जाती है। चिड़िया मैंने ये कालू है कालू। नहीं चिड़िया, वो आज हम दोनों का जामुन खाने का बहुत मन कर रहा था। तो अच्छा ये तुम दोनों हो जिन्होंने मुझे तोते चाचा के सामने शर्मिंदा किया। मम्मा मैं ना कहता था कि कोई चोर है जो हमारे जामुन की टोकरी चोरी कर रहा है। चिड़िया प्लीज हमें माफ कर दो, बस हमने आपकी ये 3 टोकरियां ही तो चुराई हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर कि तुम्हें इस जंगल को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा जी से कर दूंगी। राजा जी का नाम सुनते वो दोनों तो डर जाते हैं और वो दोनों हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम कोई भी काम मेहनत से करते हैं तो वो एक ना एक दिन जरूर सफल होता है। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि खेत में खीरे के बीज किसने बोए थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।